बिहार में कोरोना का कहर जारी है। लगातार कोविड के बढ़ते एवं बढ़ते मरीजों के बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवनिर्मित मातृ शिशु अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पतालों का निरीक्षण कर अधिकारी एवं डॉक्टरों के साथ वार्ता कर कई अहम निर्देश दिए। बाद में वार्ड में भर्ती कोविड मरीजों से मिलकर उनका कुशलक्षेम पूछा और निरीक्षण कर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड को लेकर बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। किसी प्रकार का कोविड मरीजों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पूरे राजधानी के सभी बड़े अस्पतालों में बेडों की बढ़ोतरी की जा रही है। दवा से लेकर हर तरह की सुविधा अस्पताल प्रशासन की ओर से दी जा रही है। के ध्यान में होगा, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से बढ़ते हुए कोरोना मरीजों के मामले को लेकर सचेत है, सतर्क है। और पिछले एक महीने से जब देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, उसी समय से राज्य के अंदर की जो हमारी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की सुविधा है, उसको बेहतर करने के सारे इंतजाम किए गए। और आज उसी का परिणाम है कि पिछले 10-12 दिनों में पॉजिटिव केसेस में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। उसके बावजूद हम मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। हमारा जो पूर्व का अनुभव है, वह अनुभव भी काम आ रहा है। हमारे चिकित्सकों को भी वो अनुभव काम आ रहा है। और साधन और सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। कल ही मैंने बिहार के सभी सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट से सारी व्यवस्थाओं पर बातचीत की। जो आवश्यक दिशा निर्देश देने थे वो दिए गए। और आज NMCH आया हूँ, यहाँ की व्यवस्थाओं को मैंने देखा, मरीजों से मैं मिला हूँ। सभी मरीज व्यवस्थाओं से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। सभी ने कहा कि उपचार बेहतर हो रहा है, मैं स्वयं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दवा से लेकर खाने पीने तक की सुविधाएं बेहतर हैं। और एक चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई थी कि NMCH में बेड की संख्या बढ़ाई जाए, और न केवल NMCH में बल्कि जिन जिन मेडिकल कॉलेजों में ज़रूरत है, उन सभी मेडिकल कॉलेजों में बेड्स बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी कल से 44 बेड और बढ़ जाएंगे। इसके अलावा पटना के एम्स में भी आज रात से 30 बेड वहां बढ़ जाएंगे और आगे के दिनों में भी 30-30 बेड करके बढ़ेंगे। PMCH के अंदर भी बेड बढ़ाया जा रहा है। तो सभी मेडिकल कॉलेजेस में हम बेड बढ़ा रहे हैं। उसके अलावे मैं आम लोगों से अपील करता हूं कि यदि सामान्य दिक्कत है तो हमारे जो जिला के अंदर अनुमंडल अस्पताल हैं, हमारे जो सदर अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में भी कोरोना के मरीजों की देखरेख, दवाइयां की जा रही हैं। हर ज़िले में हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है। तो सामान्य या मामूली दिक्कत होने पे ज़रूर उन अस्पतालों की भी सेवा को लोग लें। और जो बड़े हमारे अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में भी हम स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार दे रहे हैं और बेहतर करने की कोशिश भी हो रही है।